हेलो, शुरू करते हैं। आज हम लोगों की एनसीईआरटी की क्लास है। एक सेकंड। ठीक है, आज हम लोगों की एनसीईआरटी की क्लास है साइंस, क्लास सिक्स, चैप्टर फोर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में? क्या पढ़ेंगे? गेटिंग टू नो द प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानिए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में? हर्ब, श्रब, ट्रीज। क्या है ये और इनमें क्या अंतर होता है? ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक, फंक्शन ऑफ स्टेम्स, फंक्शन ऑफ स्टेम्स एंड सो ऑन। पढ़ते हैं। देखो, पहले तो हमारी कुछ चीजों से पहचान हो जाए। ये जो है, इसे आपको पता होगा क्या कहते हैं ये? इसे क्या कहते हैं? फ्लावर पुष्प। ठीक है, ये वाला जो एरिया, हिंदी मीडियम वाले अपना साइड बाय साइड देखते रहे, ये जो एरिया है ये फ्लावर हो गया, पुष्प। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? फ्रूट, फल। और ये जो है, हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पहले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो है इसे क्या कहते हैं? स्टेम, तना। और इसे क्या कहते हैं? चौड़े आकार का जो है लीफ, पत्ती। ठीक, देखो दो टर्म आते हैं, नोड और इंटरनोड। नोड क्या होता है? तने के उस सिरे से जहां से पत्तियां निकलना शुरू होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, उस पार्ट को। ठीक है, उसे कहते हैं नोड, जहां से ये पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। और जो दो नोड के बीच का एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। मतलब इंटरनोड इज द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड। ठीक है, और ये बड, मतलब कलियां, जो छोटी छोटी कलियां होती हैं, इसे हो गया बड। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं सूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। ठीक, अब हम लोग रूट सिस्टम में देखेंगे क्या होता है। रूट सिस्टम मतलब मूल तंत्र। ठीक है, सी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी रूट हो गया, दिस हैपन प्राइमरी रूट। और ये जो है, जो शाखाएं निकली हुई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, स्टेम यहां से लेके आपका जो यहां तक का एरिया है, ठीक है, ऐसे तना। ठीक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। ठीक, अच्छा पौधों के प्रकार हम क्यों पढ़ने वाले हैं? सी, अगर हम कोई भी पौधा देखें, जैसे आप टोमेटो देखें, टमाटर का, आम का, लेमन का, तो आप देखोगे ना सब देखने में बिल्कुल अलग है। तो क्या आप सबको ट्री कह सकते हो? अगर वो सारे के सारे एक दूसरे से देखने में अलग है तो सबको एक नाम से तो नहीं बुलाया जा सकता ना। क्या आप उन सबको हर्ब कह सकते हो? हर्ब मतलब साख, नहीं। क्या आप उन्हें श्रब्स कह सकते हो? नहीं। तो आखिर किस आधार पे बांटा गया है इन पेड़ पौधों को, हम उनका स्टडी करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट देखो, टोमेटो। ठीक है, फर्स्ट है टोमेटो, हम देखते हैं इन्हें किस आधार पे बांटा जा रहा है। टोमेटो, टमाटर का पौधा है, उसकी पहले हम तीन आधार पे बांटेंगे। कॉलम वन में है हाइट, ऊंचाई के आधार पे, दूसरे में है स्टेम, तना के आधार पे, एंड तीसरे हम बांटेंगे कि जो ब्रांचेस हैं, जो उनकी शाखाएं हैं, वो कहाँ अपीयर होती हैं पेड़ की। ठीक है, मतलब पौधों की जो शाखाएं हैं वो कहाँ अपीयर होती हैं। सी, तो टोमेटो की हाइट क्या है? बहुत कम है। उसका हम तना देखेंगे, क्या उसका तना हरा है? तने की पहचान मैंने बता दी, तना क्या होता है? उसका तना हरा है, हाँ दिख तो रहा है हरा है। क्या टेंडर है, मुलायम है तना? हाँ मुलायम भी है। इसके जो शाखाएं हैं, इस जो टमाटर की शाखाएं हैं, क्या ये
तने पे ऊपर की हैं या नीचे की ओर हैं? तो हम देख रहे हैं कि जो शाखाएं हैं वो ऊपर तक गई हैं, जो शाखाएं हैं वो ऊपर तक नहीं गई हैं। देख लो ये तना है और इसमें जो शाखाएं हैं वो नीचे तक ही गई हुई हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी ऑफ द प्लांट को हम क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। हर्ब मतलब शाख। मैंगो को हम उस आधार पर बांटेंगे, मैंगो की हाइट क्या है? वेरी टॉल, बहुत ऊंची है। तना उसका ग्रीन है? नहीं। टेंडर मुलायम है? नहीं, ठीक। तना क्या उसका मोटा है? हाँ। क्या हार्ड है? आम का जो पेड़ होता है क्या उसका तना कठोर होता है? हाँ। और क्या ये ऊंचाई तक गया हुआ है, उसके जो ब्रांचेस है वो ऊपर तक गए हुए हैं? हाँ। और ये कैरेक्टरिस्टिक है तो क्या हुआ? ट्री हो गया, ठीक है। सेम हम लेमन में देखेंगे। तो उस आधार पे ये है आपका मैंगो और ये है लेमन। देखो ये है लेमन, ठीक। अब लेमन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि लेमन की पहले हाइट, ठीक, शॉर्ट है या टॉल है, हमने देख लिया मीडियम है। फिर हम देख रहे हैं कि उसका जो स्टेम है क्या ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है, हाँ। और उसकी जो शाखाएं हैं क्या वो तने के पास से जमीन से लगी हुई है, हाँ। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम? श्रब कहते हैं, झाड़ी, ठीक है। लेमन इज अ वैरायटी ऑफ झाड़ी श्रब। ये है आपका लेमन, जिन्होंने नहीं देखा वो पेड़ देख लें, झाड़ी। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे जो प्लांट है उनको तीन भागों में बांटा गया है। प्लांट को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब मतलब शाख, श्रब्स मतलब झाड़ी और ट्री मतलब पेड़, ठीक। तो हम देखेंगे पहले कि हर्ब क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं और ट्रीज क्या होती हैं। तो सी पहले हम देखेंगे हर्ब्स, शाख क्या होते हैं। देखो कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम, जिसमें हरे और कोमल तने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। तो ये यूजुअली क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और इनमें जो है जरूरी नहीं है कि शाखाएं हों, इनमें शाखाएं नहीं भी हो सकती हैं, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया, इन्हें क्या कहते हैं? हर्ब। श्रब क्या होती है? झाड़ी। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो शाखाएं होती हैं वो तने के पास जड़ से ही लगी होती हैं, वो तने से ही लगी होती हैं, तने के आधार से लगी होती हैं। इसमें जो तना है वो बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन तना बहुत मोटा नहीं होता है। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। और कुछ प्लांट जो है वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचाई तक होते हैं और बहुत उनके तने जो है वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। बहुत जो कठोर होते हैं, बहुत मोटे होते हैं उनके क्या तने, और इन तनों की जो शाखाएं हैं ये अपर पार्ट्स में होती हैं। जो शाखाएं हैं देखो ये है तना, ठीक है। अब इसमें जो शाखाएं हैं पेड़ की ये अपर पार्ट्स में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैंगो इज वैरायटी ऑफ ट्री। ऐसे पेड़, ऐसे जो प्लांट्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? ट्री कहेंगे। तो इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये हर्ब है, ये श्रब है और ये ट्री की वैरायटी है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्रीपर मतलब क्या होता है? विशर्पी लता। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? आरोही, ठीक है। तो देखो ऐसे प्लांट्स जिसमें वीक स्टीम होते हैं, जिनका जो तना है वो कमजोर होता है, तना क्या होता है प्लांट्स का? कमजोर होता है। और जो सीधे ऊंचाई तक खड़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, लेकिन वो जमीन पर फैले हुए होते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्रीपर्स, विसर्पी लताएं कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्रीपर। कद्दू है, कोहड़ा। जबकि वैसे प्लांट जो सपोर्ट लेते हैं और ऊंचाई तक चढ़ते जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्लाइंबर। लौकी, पॉटल गार्ड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेम, फ्लावर्स, लीफ, रूट।
अच्छा, अगर हमें प्लांट के बारे में जानना है, देखो जैसे हम ह्यूमन बॉडी जब पढ़ते हैं ह्यूमन के बारे में, तो हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम बॉडी के पार्ट्स पढ़ते हैं, है ना। किडनी, विच इज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफेगस। वैसे ही अगर हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के पार्ट्स को पढ़ेंगे, और जैसे हमें जानना होता है किडनी का क्या फंक्शन है बॉडी में, वैसे हम स्टेम का फंक्शन, फ्लावर का फंक्शन, लीफ का फंक्शन, रूट का फंक्शन ये देखेंगे, तो हमारी प्लांट की डीप में स्टडी होगी। ठीक है, स्टेम, तना। अच्छा, तना, तना का क्या काम होता है पेड़ में? तना का जो है वो पौधों में क्या काम होता है? इट हेल्प्स, ये आपकी मदद करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जैसे ये जो है, देखो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए पानी की भी जरूरत होती है, और ये पानी कहाँ से आएगा? पानी जो हम पेड़ पौधों में देते हैं या इनको जिस भी माध्यम से मिलता है, तो ये जो तना है ये हेल्प करता है ताकि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो सके। ठीक है, तो वाटर्स और जो मिनरल है, जो पानी और खनिज है, वो पत्तियों तक जाता है, और अदर प्लांट्स जो तने से अटैच होते हैं, और अदर पार्ट्स, प्लांट के अदर पार्ट्स जो इस तने से अटैच होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल का परिवहन करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया है कि अगर आप किसी भी कलर्ड वाटर में अगर आप कोई पेड़ डाल ले रहे हो, तो आप देखोगे कि तना जो है इसका संवहन कर रहा है पानी का। सेकंड क्या है? लीफ, पत्ती। पत्ती के पार्ट्स हम देखेंगे। सी, पत्ती ये दिख रही है, ठीक है, ये है तना। तो पत्ती का वह पार्ट जो तने से जुड़ा हुआ होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल, पर्णवृत्त कहते हैं। और ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं लैमिना, फलक। अच्छा, अब ना आप थोड़ा सा गेम खेल लो। क्या करो, एक पत्ता लेके आओ और उसको पेपर पे रखो, ठीक, पेपर के नीचे आपने पत्ता रख दिया या ऊपर ही रख के, दोनों साइड से होता है, फिर आप जो है उस पे पेंसिल चलाना शुरू करो। तो जब आप पेंसिल चलाना शुरू करते हो तो ये आकार आप पाते हो पत्ती का। ठीक है, ये आकार जब आप पाते हो तो देखो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये लाइंस जो आप पाओगे, ये दीज लाइंस, पेंसिल से करने के लिए क्यों कहा है? ताकि आप एक एक चीज को बारीकी से खींच सको। ठीक, तो ये जो लाइन है इन्हें हम कहते हैं पत्तियों की वीन्स, सीरा। ठीक, और ये जो मिडिल लाइन है यहाँ पे, ओरिजिनल में भी देख लो, ये जो मिडिल लाइन वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? मध्य सीरा, मिड रिब। ये हो गया मध्य सिरा, इन्हें तो हम सिरा कहेंगे, ये जो बीच वाले हैं ये मध्य सिरा कहेंगे, और ये जो आकार पत्ती पे बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास, लीफ विनेशन। ठीक है, ये जो डिजाइन है पूरी पत्ती पे बन रही है, दिस कंप्लीट डिजाइन, एक एक को तो हम विंस कहेंगे, लेकिन ये जो कंप्लीट डिजाइन बन रही है इसे हम क्या कहते हैं? लीफ विनेशन कहेंगे, सिरा विन्यास। ठीक है, मूविंग फर्दर, देखो ये हमने देखा कि अगर ये जो डिजाइन है ये दोनों तरफ है, ये आपका हो गया मिडरिप, मध्य सिरा हो गया, और ऐसे डिजाइन जो है विंग्स की ये दोनों तरफ है, नेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह दोनों तरफ है, तो इस विनेशन को, इस सिरे को हम क्या कहेंगे? ये जो सिरा विन्यास है इसे हम कहेंगे रेटिकुलेट, जलिका रूपी सिरा। ठीक, ये आपका हो गया जलिका रूपी सिरा, और अगर आप देखोगे कि ये जो वीन्स हैं, ये जो वीन्स का स्ट्रक्चर है ये पैरलर है एक दूसरे के, ऐसे ऐसे वीन्स हैं।
मीन्स दोनों साइड नहीं है, क्या है बल्कि पैरलर है, तो उसे आप क्या कहोगे, पैरलल विनेशन, समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। नाउ ट्रांसपाइरेशन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, मैंने इवेपोरेशन बताया, व्हाट इज इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी का वाष्प में बदल जाना ही वाष्प उत्सर्जन होता है, पानी का वाष्प में बदल जाना ही क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण, सॉरी वाष्पीकरण होता है। तो जैसे वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, वैसे जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, उनसे जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अच्छा आप बताना, पत्तियों का कौन सा पार्ट जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करता है, कमेंट में बताइए। तो इसमें ये यही कह रहा है कि वाटर कम आउट ऑफ द लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाई ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखो यार इसमें ना जैसे कि बस सिंपल सिंपल टर्म है, उसको समझने जाना है, बाकी कोई बारीकी है नहीं, ठीक है। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आप बड़े क्लास में जाओगे ना तो आपसे पूछेगा एंथर इज पार्ट ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जब आपको ये नहीं पता होगा एंथर क्या है तो पार्ट किसका है तो भूले जाओ, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हम समझते हैं। देखो पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं, कब तैयार करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। दो चीजों की जरूरत होती है, फर्स्टली प्राइमरली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्रीन कलर जो उनमें प्रेजेंट होता है, और इसके लिए वो किसका यूज करते हैं, वाटर का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का एंड H2O का। तो पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन बनाने के लिए CO2 और H2O का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस, ठीक। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। और यही जो भोजन वो तैयार करते हैं, ये अल्टीमेटली जो भोजन लीफ के द्वारा तैयार किया गया है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है। और मतलब देखो हमने पढ़ लिया कि वीट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज होता है, तो वाटर कहाँ से मिल रहा है, अभी हमने पढ़ा कि जो स्टेम है वो सप्लाई करता है लीफ को विद द वाटर, और लीफ जो है इसका यूज करती है फूड बनाने के लिए, ठीक। और लीफ जो है, जो पत्तियां हैं वो कैसे वाटर को लूज करती हैं, थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रांसपाइरेशन, ठीक। फूड बन गया, लेकिन हमको चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट बना है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। नहीं, हरी पत्ती तोड़ के लाओ बाहर से कोई, ठीक है, एक परख नली लो, उसमें हरी पत्ती ऐसे डाल दो और उसको एक बीकर में रखो, बीकर में, इस बीकर में जो है आप स्प्रिट रखिए, ठीक। और आप बीकर को तेज आंच पे गर्म कर दीजिए, तब तक गर्म करिए जबकि इस पत्ती का हरा कलर निकल ना जाए। अब क्या करिए आप, ये जो ग्रीन लीफ है आप इसको एक बाउल में रखिए और आयोडीन का सलूशन उसमें डालिए, तो आप देखोगे ये जो ग्रीन लीफ है ना ये ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है। एंड इन चैप्टर वन वी हैव स्टडीड कि अगर सॉरी ये ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है एंड इन चैप्टर वन वी हैव स्टडीज कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। रूट्स,
जड़ का क्या काम होता है पेड़ पौधों में। अच्छा, घर में आप देखते होंगे कि हम लोग चना भिगो के खाते हैं, चना आपने लिया और उसको कपड़े में बांध दिया, ठीक। तो चने को जब हम कपड़े में बांध देते हैं और चना अंकुरित होने के लिए हम वेट करते हैं आफ्टर 8 to 10 hours, देन वी सी कि अगर ये कॉटन का कपड़ा है तो उसमें से जैसे कि अगर चने का अंकुरण हो गया, ये देखो चना अंकुरित हो गया, तो हम देखते हैं कि ये मतलब आराम से तो नहीं निकलता है ना, ये जो इसका जड़ है ये आराम से नहीं निकलता है उस कपड़े से बाहर, मतलब लेटरल टफनेस के साथ निकलता है, ये है जड़। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि रूट जो जड़ है ये हेल्प करता है इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉयल, कि ये जो है पौधों को सॉयल से फॉर्मली कनेक्ट करे, प्लांट जो है सॉयल से फॉर्मली कनेक्ट हो, रूट इस चीज में मदद करता है, जैसे ये, ठीक। और इन्हें क्या कहा जाता है, दे एंकर द प्लांट टू द सॉयल, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मिट्टी, मिट्टी में पेड़ पौधों का स्थिरक कहते हैं, पेड़ पौधे को ये स्थिर किए रहते हैं, ठीक। अब हम दो इमेजेस देख रहे हैं, ये एक प्लांट है विथ रूट्स, ये एक प्लांट है विदाउट रूट। अच्छा, आप रूट के साथ प्लांट लाओ, आप उसको लगा दो गमले में, विदाउट रूट लाओ लगा दो, पानी डालना शुरू करो, देन यू विल सी कि जो रूट के साथ प्लांट है ना वो ग्रो करना शुरू हो गया है और विदाउट रूट वाला ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने जड़ ही उसकी काट दी है। तो कहते हैं ना, देखो जड़ ही अगर आप काट दोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, इसीलिए आप अपनी जड़ से जुड़े रहें। Which are your parents and your values? फिर हम लोग देखेंगे types of root क्या होते हैं, जड़ के प्रकार, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आएगा, बताएंगे जड़ के प्रकार क्या होते हैं। देखो ये दो जड़ आपको दिखाई गई है, ठीक। पहले हम देखते हैं इस जड़ को, तो इमेज आप ध्यान से देखो, ये वाली इमेज पहले आप देखो, तो ये जो मेन रूट है ना, ये जो मेन रूट है इसे हम कहते हैं टॉप रूट, मूसला जड़, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जड़ यहां से निकले हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटरल रूट्स, पार्श्व जड़। कुछ प्लांट्स में आप देखोगे कि ये जो मेन रूट है, बीच वाला रूट है, ये नहीं होता है, केवल इसमें क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं और सब रूट एक तरह दिखते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे रूट के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ रूट्स, जड़ के कार्य, ठीक। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि रूट जो है, ये जो जड़ है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से जो है ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, एंड द स्टेम जो आपका तना है ये इनको लेके जाता है कहाँ तक, पत्तियों तक एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और फिर ये जो लीव है क्या खाना तैयार करती है, और ये जो फ्रूट है, फूड है वो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेम और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है। हम कुछ जो है रूट्स खाते नहीं है, जैसे कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका, ठीक। तो मेन फंक्शन रूट का क्या है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल को, वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द सॉइल। हमको ये जानना क्यों जरूरी है, अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, देन हमने देखा कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर तो स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपको अदर पार्ट ऑफ द लीव में, लेकिन स्टेम तो ऊपर है ना, और पानी अगर आ रहा है तो कैसे मिल रहा है, तने को पानी कैसे मिल रहा है, तो रूट जो है हेल्प करता है कि अच्छा हम आपको जो है वाटर और मिनरल दे रहे हैं, ठीक है, आप अपना काम करो, ठीक। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर देखो ये है फ्लावर का फिगर, देख लो पेटल्स, ये है पंखुड़ियां फ्लावर की, और ये क्या है,
बड, इसे कहते हैं कलिका, हम लोग कलियां कहते हैं ना इसे, लेकिन सही टर्म इसका कलिका है। ठीक, तो ये वाला जो है खिला हुआ जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं पेटल्स, और ये जो पत्ती की तरह दिख रहा है जो बड़ा होके ऐसे बनता है इसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स, बाह्य दल। ठीक, मूविंग फर्दर, अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखेंगे, फ्लावर के पार्ट्स। आप गुड़हल का फूल लेके आओ, उसको ऐसे देखो, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट है ये वाला, इसे हम कहते हैं पिस्टिल, स्त्री केसर। और ये जो छोटी छोटी कलियां खिलना शुरू हुई हैं, कलियां हम इन्हें नहीं कहेंगे, ये जो छोटे छोटे कण हैं स्मॉल स्मॉल, इन्हें हम कहते हैं एंथर्स, पराग कण, जो हेल्प करते हैं प्लांट के फर्टिलाइजेशन में। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं, ये जिससे जुड़े हुए हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेमंस। ठीक है, तो देखो एंथर क्या है आपका, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर इज पार्ट ऑफ स्टेमन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो जैसे देखो स्टेमन का पुंकेसर के भाग दिखाया, तो पुंकेसर के भाग में ये जो भाग है ये फिलामेंट हो गया, यहां पे ये हमने पूरा दिखाया, ये आपका स्टेमन हो गया, ये जो है ये आपका स्टेमन हो गया। ठीक, दिस वन, ये हो गया आपका स्टेमन पूरा। ठीक है, तो ये जो नली की तरह का स्ट्रक्चर है इसे हमने कहा फिलामेंट, और ये जो ऊपर है छोटे छोटे बड्स की तरह है इन्हें हमने कहा एंथर। एंथर क्या है, एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन, एंथर जो है आपका जो पराग कोष है वो पार्ट है पुंकेसर का, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक, ऐसे वो पुंकेसर हो गया था, अब हम देखेंगे स्त्री केसर, पार्ट ऑफ अ पिस्टिल, स्त्री केसर के भाग। ठीक, तो ये देखो जो यहां पे दिस स्ट्रक्चर इनर मोस्ट पार्ट को हम फिर से देख रहे हैं स्त्री केसर के भाग, वो जो इनर मोस्ट पार्ट था अब हम उसको थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। ठीक, और ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टाइल, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का ओवेरी, अंडाशय, ओवेरी इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल। ठीक, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि आप ये जो पिस्टिल है स्त्री केसर है, आप इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक बार इसको क्या करो, लॉन्गिट्यूडनल काटो और एक बार आप इसको ट्रांसवर्सल काटो। ठीक, तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल काटोगे तो आप दो तरीके के स्ट्रक्चर देखोगे। एक बार आप लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है आप बताओ, मतलब आप जो है उसी की दिशा में काटो जिस दिशा में रखा है। ट्रांसवर्सल का मतलब है कि आप लंबवत काटो, तो आपको अगर आप पहली बार लॉन्गिट्यूडनल काटोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, और जब आप ट्रांसवर्सल काटोगे तो ये आपको छोटी छोटी बीट्स दिखेंगी। ये जो आपको छोटे छोटे बीट्स दिख रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं ओव्यूल्स। ये हम जो है ओवेरी के स्ट्रक्चर को काट के उसकी स्टडी कर रहे हैं। ओव्यूल इज अ पार्ट ऑफ ओवेरी एंड ओवेरी इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, स्त्री केसर का भाग है ना। क्या आपने स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर देखा इनसाइड द ओवेरी, इसे ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं, बीजांड। ठीक है, तो
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 1, 2, 3, 4 रिवाइज करिए। अच्छा, चैप्टर 5 एंड परहैप्स चैप्टर 3, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट में एक ही चैप्टर दिए हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। दो चैप्टर को एक बार कर दिया है और दोनों के मैंने देख लिए, डेटा भी सेम है, सब सेम है, तो मैं चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी। ठीक, हम इसमें एनसीईआरटी न्यू एडिशन 2023-2024 पढ़ रहे हैं। जिनके पास ओल्ड है वो देख ले कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं, बट मैं न्यू पढ़ा रही हूँ। तो रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए। कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो कमेंट करिए, कोई चीज़ भी ना समझ में आ रही हो, टेलीग्राम लिंक हम लोग के चैनल में है, उससे ज्वाइन हो जाइए। एनसीईआरटी आपको सारी पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और स्टेट, स्पेशली यूपीपीएससी के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे साइंस के। तो आपके जो है ना स्कोर देखना सीधे बढ़ना शुरू हो जाएंगे अगर आप बेसिक पढ़ते चल रहे हो तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।